नमस्कार, बहुत स्वागत। महासंग्राम 2024 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे झटकेदार खबर से। उज्जैन से यह खबर है, नूरी खान ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी है। पार्टी की विचारधारा से जुड़ी रहूंगी, साधारण सदस्य के रूप में जुड़ी रहेंगी नूरी खान। ये पहली बार नहीं, अपनी नाराजगी का इजहार वो इसी तरह से करती हैं। नूरी खान ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया। ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। पार्टी की विचारधारा से वो जुड़ी रहेंगी, ये उन्होंने कहा है। उज्जैन से ये बड़ा अपडेट, कांग्रेस के लिहाज से और भी बड़ा अपडेट कि नूरी खान ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर हैंडल जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। एक तरफ इस्तीफा है, दूसरी तरफ कह रही है कि साधारण सदस्य के रूप में वो जुड़ी रहेंगी, पार्टी की विचारधारा से जुड़ी रहेंगी। कांग्रेस की नेता है नूरी खान, अजय सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दें, नूरी खान का कोई रिएक्शन मिल पाया हो तो उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, नूरी खान कांग्रेस पार्टी की सक्रिय जो है कार्यकर्ता रही है और नेता रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की है और कांग्रेस पार्टी के समस्त महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे रही हूँ, पार्टी की विचारधारा से जुड़ी रहूंगी साधारण सदस्य के रूप में, ऐसा एक मैसेज उन्होंने जो है ट्विटर पे जारी किया है और फिलहाल लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन किन कारणों से उन्होंने ये कदम उठाया है अभी इसका स्पष्टीकरण नहीं आ पाया उनकी तरफ से, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नूरी खान ने जो पार्टी से इस्तीफा दिया है तो इसको लेकर कई लोग जो उनके समर्थक थे उनका यही कहना है कि नूरी खान को कांग्रेस पार्टी में बने रहना चाहिए था, क्योंकि उनकी बहुत सख्त जरूरत है और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब आगे देखना होगा कि नूरी खान को जो है बड़े कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो वापस लाते हैं या फिर इस्तीफा मंजूर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खजुराहो से भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रबुद्ध जनों से संवाद करने का आज उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के राजा भोज विमानतल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, माया नारोलिया, विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्होंने स्वागत किया। खजुराहो से भोपाल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में एक कार्यक्रम होना है, प्रबुद्ध जनों से वो चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जैसे कि हमने कहा कि तमाम जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, आइए हम सब मिलकर के अब उस स्वागत इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमृत काल में राष्ट्रोदय इस विषय पर हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन सुनने और मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे।